हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू क्लास 11 अकाउंटेंसी। बट आवर चैप्टर इज गोइंग ऑन सब्सिडियरी बुक्स अदर देन कैश एंड इन दिस चैप्टर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लियर बेटा, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल्स बुक एंड परचेज बुक एंड टूडे वी विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल्स रिटर्न बुक एंड एज वेल एज परचेज रिटर्न बुक। बेटा सो लेट्स सी, वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक ऑफ राम लाल एंड कंपनी हिसार हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। बेटा जैसे ही आपके ये स्टेट का नाम आ जाएगा तो वहाँ पर GST में बहुत आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज अगर आउट इंटर स्टेट परचेज ट्रांजेक्शन होंगे देन IGST चार्ज होगा, और इंट्रा स्टेट अगर आपके ट्रांजेक्शन हैं देन आपका CGST एंड SGST चार्ज होगा। सो 2018 अप्रैल 6 ट्रांजेक्शन आर गुड्स रिटर्न बाई गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा। गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा, वन टेबल फैन रेट ऑफ 6000 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 15000। बेटा इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा है, आपकी बुक में APC में ये क्या करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स ले कवर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं तो बच्चों के डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स क्लियर वैल्यूड 40000 एंड अलाउंसेस टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवाइस 2500। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके अकाउंट में मिस्टेक्स भी होती है तो फिर उस टाइम पर भी परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न बुक में आपका डेबिट और क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ आवर फॉर्मेट। क्लियर, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ और रिटर्न इनवर्ड बुक। क्लियर, पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर क्रेडिट नोट नंबर इन सेल्स रिटर्न बुक। यू हैव टू प्रिपेयर क्रेडिट नोट बुक कि आप जब एंट्री पास करके देख लीजिए कस्टमर का जो नेम होता है वो क्रेडिट होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार इसकी जनरल एंट्री प्रिपेयर करके देख लेना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एंड दैट टाइम कस्टमर अकाउंट क्रेडिटेड, बिकॉज ऑफ दैट क्रेडिट नोट विल बी प्रिपेयर। LF डिटेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न आउटपुट CGST। बेटा क्या होगा, सेल्स के टाइम पर हम आउटपुट GST चार्ज करते हैं, तो आउटपुट CGST अगर क्वेश्चन में गिवन है, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST टोटल अमाउंट। फर्स्ट हम किसको रिटर्न कर रहे हैं 2018 में, अप्रैल 2018। बेटा डेट का कॉलम मिसिंग हो रहा है तो प्लीज आप डेट के कॉलम में डेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पर डेट का कॉलम थोड़ा सा मिस हो रहा, कट रहा है। आउटपुट CGST आउटपुट SGST वो सारे कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए हैं। गंगा प्रसाद वी हैव रिटर्न सेल्स रिटर्न फ्रॉम गंगा प्रसाद, रिटर्न बाय गंगा प्रसाद, तो नेम ऑफ कस्टमर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ध्यान रखना नेम ऑफ कस्टमर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड गंगा प्रसाद, अमाउंट 6000 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट। जब हमने सेल किया था तो उस टाइम पर भी हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस की थी, अभी भी हम लेस करेंगे, एंड देन एक्चुअल अमाउंट 5100 एंड CGST जो हमने चार्ज की थी अब वो उस टाइम पर क्रेडिट होगी, अब क्या हो जाएगी डेबिट। तो CGST 6% एंड SGST 6% ऐड करेंगे एंड इन दिस कॉलम इन सेल कॉलम वी विल राइट द अमाउंट ऑफ सेल 5100 देन CGST 3600 एंड 306 एंड 306 एंड फाइनल अमाउंट ऑफ सेल वी विल राइट सेल्स रिटर्न नॉट सेल फाइनल अमाउंट ऑफ सेल रिटर्न 5712 वी विल राइट इन फाइनल कॉलम। क्लियर बेटा, नेक्स्ट वी हैव रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय श्याम ऑयल मिल्स, नेम ऑफ कस्टमर्स श्याम ऑयल मिल्स इन डेट कॉलम यू विल राइट 12 देन क्रेडिट नोट नंबर इट इज नॉट गिवन अवर क्वेश्चन हाउ मच 40000 नो ट्रेड डिस्काउंट GST 6% SGST 6% एंड देन इन सेल्स कॉलम वी विल राइट 40000 एक्चुअल सेल्स देन GST अगेन SGST एंड देन फाइनल टोटल सेल्स रिटर्न 44800। बेटा अगर कहीं पर भी मैं गलती से सेल्स बोल रही हूँ तो ये सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न है। संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, कस्टमर नेम संजय एंड कंपनी फरीदाबाद एंड देन बाय मिस्टेक अपने अमाउंट हो गई थी कितने की 2500 इनवाइस नंबर पे,
2500, जीएसटी 150, अगेन 150, तो रिटर्न की अमाउंट कितनी है 2500, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड फाइनल टोटल अमाउंट ऑफ सेस रिटर्न 2800। लास्ट में क्या करेंगे, एट लास्ट टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न कॉलम, क्लियर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का काम नहीं है एंड फाइनल अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न। बेटा यहाँ पर टोटल की बजाय आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्या लिखेंगे बेटा आप, सेल्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन था सेल्स रिटर्न का, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है एंड वी होप कि टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड टुमारो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल कवर न्यूमेरिकल पोर्शन, हम कवर कर देंगे और इसके बाद देखते हैं शायद ट्रायल बैलेंस हम स्टार्ट करें, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ एम एस गुप्ता। बेटा यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको परचेज रिटर्न बनाना है, सेल्स रिटर्न, प्रिपेयर रिटर्न बुक ऑफ एम एस गुप्ता ब्रदर्स जयपुर राजस्थान फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अज्यूमिंग सी जी एस टी 6% एंड एस जी एस टी 6%, मार्च 2018-07 रिटर्न टू अरोरा एंड कंपनी नए शराब दिल्ली बींग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैम्पल 10 चेयर एट द रेट 2000 ईच, 1 टेबल फॉर 5000 एंड लेस 20% रेट डिस्काउंट। सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा रिटर्न टू अस 2 ब्रोकन अलमीराज एट द रेट 11000 ईच, लेस 15%। रिटर्न टू फतेह चंद एंड कंपनी जयपुर द फॉलोइंग गुड्स फॉर बींग डैमेज्ड इन ट्रांजिस्ट, ठीक है, कुछ चेयर्स आपके डैमेज्ड हो गई हैं, 5 चेयर 1600 ईच। एंड रवि सक्सेना जयपुर रिटर्न टू अस द फॉलोइंग बींग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी 1 डाइनिंग टेबल फॉर 10,000 एंड 5 चेयर्स एट द रेट 2000 ईच, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर बेटा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न बुक्स बनानी है एंड देयर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स रिटर्न एज वेल एज परचेज रिटर्न, इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स रिटर्न एज वेल एज परचेज रिटर्न। तो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर बोथ बुक्स बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफाई इन अवर क्वेश्चन कि वी हैव टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक, वी हैव टू प्रिपेयर रिटर्न बुक, दैट्स मीन वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। To see the solution of this question, first of all we will draw sales return format of sales return book, clear, हम sales return book का format बनाएंगे और उसके बाद हम जो करेंगे sales return book का format हम बनाएंगे। बेटा इसकी जो purchase return book होगी, I think मैंने इसकी slide add नहीं की है, तो कोई बात नहीं, मैं उसका answer आपको लिख कर भेज दूँगी तो आप समझ लेना उसको, ठीक है, या मैं add कर दूँगी इसमें। पहले हम सेल्स रिटर्न समझते हैं, दो क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे सेल्स रिटर्न के। अगेन रिटर्न टू अरोरा एंड कंपनी, तो बेटा ये हमारे कौन सी है, परचेज रिटर्न है, तो ये हम अब रिकॉर्ड अभी नहीं करेंगे। सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी रिटर्न टू अस, यानी कि ये हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न है, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट रिटर्न टू फतेह चंद, ये आपका परचेज रिटर्न में जाएगा, नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे अभी परचेज रिटर्न में। रवि सक्सेना जयपुर रिटर्न टू अस द फॉलोइंग बींग नॉट स्पेसिफाइड क्वालिटी, सेल्स रिटर्न है तो दो ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्ड होंगे। तो देखो बेटा आप किस तरीके से हम इन दो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी एंड रवि सक्सेना एंड कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ट बुक, डेट पर्टिकुलर, क्रेडिट नंबर, नोट नंबर, LF, डिटेल्स जो होंगी हमारी, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, टोटल अमाउंट। तो सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी फरीदाबाद का नेम ऑफ कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर डे ईयर एंड देन वी विल राइट मंथ टेन डेट। नेम ऑफ कस्टमर सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी 22,000, क्लियर। नेक्स्ट है टू अलमीराज एट द रेट ऑफ 1,000 ईच, टू अलमीराज 22,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, दैट्स मीन 3,300। वी लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड वी गॉट अमाउंट 18,700। IGST, क्यों IGST हमने चार्ज किया बेटा, ये हरियाणा है और जो आपका जो कस्टमर है वो देख लीजिए कहाँ के हैं, कस्टमर है जयपुर राजस्थान के,
तो आउटसाइड स्टेट आपके ट्रांजेक्शन हुए तो IGST चार्ज होगी 12% की। फाइनल अमाउंट 20,944। इन सेल्स रिटर्न वी विल राइट हेयर अमाउंट 18,700। क्लियर। सेल्स रिटर्न में हमने क्या लिखा है, जो सेल्स रिटर्न की एक्चुअल अमाउंट थी। IGST में हमने IGST की अमाउंट लिखी और जो फाइनल अमाउंट है टोटल सेल्स रिटर्न की, दैट वी हैव रिटन इन टोटल कॉलम। नेक्स्ट वी हैव रिटर्न गुड्स टू रवि सक्सेना, सॉरी गुड्स रिटर्न बाय रवि सक्सेना, कस्टमर है हमारा, तो नेम ऑफ कस्टमर रवि सक्सेना जयपुर, एंड ही रिटर्न वन डाइनिंग टेबल 10,005 चेयर्स एट द रेट ऑफ 22,000 ईच। तो ये हमारी सेल्स रिटर्न की अमाउंट होगी 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो एक्चुअल में सेल्स रिटर्न कितना है 17,000 एंड CGST 12%, SGST सॉरी 6%, सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न 17,000, CGST 10,020 एंड अमाउंट ऑफ फाइनल अमाउंट 19,040। तो एट लास्ट आप क्या करेंगे, जब सारे ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम 35,700, CGST का टोटल, SGST का टोटल एंड IGST एंड फाइनल टोटल, एंड हेयर यू विल राइट हेयर सेल्स अकाउंट डेबिटेड इन दिस कॉलम, इन प्लेस ऑफ टोटल यू विल राइट सेल्स अकाउंट डेबिटेड। तो बेटा हमने दो क्वेश्चंस कर लिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। परचेज रिटर्न में आपको सॉल्व करके बेटा समझा दूंगी, मेरे ख्याल से आई थिंक जस्ट एक मिस होगी स्लाइड, कोई बात नहीं हम इसमें ऐड कर देंगे वन लेक्चर्स, है ना। एक हम और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, जो मेरा नेक्स्ट बुक है जर्नल प्रॉपर, तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स में या फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं आपको बताऊंगी तो उसमें जर्नल प्रॉपर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, एंड किसका आपका ये जो परचेज रिटर्न का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वन और टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे परचेज रिटर्न बुक के। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल प्रॉपर ऑफ मुकेश ट्रेडर्स। जर्नल प्रॉपर हम बेटा कब बनाते हैं, जब सारे, जब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे होंगे बेटा, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं कैश बुक में चले गए, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, तो जो ट्रांजेक्शन्स इन सारी अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाएंगे वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर लाइक एज अ जर्नल, जर्नल की तरह ही हमारी बनती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जर्नल एंट्री। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये तो हमारे कहीं जा नहीं रहे, तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे बेटा, जर्नल प्रॉपर में। गुड्स विड्रॉन बाई प्रोपराइटर्स, लॉस बाई फायर, तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं आपके जो ना अदर बुक्स में जो रिकॉर्ड नहीं होंगे वो आपके कहाँ रिकॉर्ड होंगे, जर्नल प्रॉपर में। क्लियर बेटा। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जर्नल प्रॉपर एंड मीनिंग इज क्लियर। व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, द परचेज ऑफ फॉर एग्जांपल आफ्टर द सब डिविजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, जर्नल रिमेन्स ओनली अ बुक इन विच ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स। इन सच अ केस जर्नल इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल इफ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट इट कैन नाइदर बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉर इन परचेज बुक एंड दैट टाइम इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन जर्नल प्रॉपर। ना तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगी, तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ MS मुकेश ट्रेडर्स एंड डेट 2018 मंथ, ईयर 2018 मंथ मार्च 5th। सुनील हु अर्नड अस 50,000 वॉज डिक्लेयर्ड इन सॉल्वेंट एंड 40% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो बेटा सुनील जो था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और 40,000 ही रिसीव हुआ है। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बेटा पास करोगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू सुनील। अब बेटा ये वाली एंट्री, कैश वाली एंट्री तो कहाँ चलेगी, कैश बुक में 50,000 का 40% ही रिकवर हुआ है, यानी कि 20,000। क्लियर बेटा, 20,000 के अमाउंट तो कैश बुक में चलेगी, बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 30,000। ये वाली एंट्री बैड डेबिट्स टू सुनील विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, अमाउंट 30,000 से हो जाएगी। ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड टू कैलाश ऑन फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट,
old machinery was sold to Kailash for 10,000 on credit, then entry will be Kailash debited to machinery account. अमाउंट 10,000 क्रेडिट में हमने सेल किया है, देन कैलाश डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. तो ये ट्रांजेक्शन्स आपका क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन जर्नल प्रॉपर. अभी हम देख लेंगे फॉर्मेट कैसे बनेगा, एक बार हम समझ लेते हैं एंट्री को. प्रोपराइटर्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 44,000. पर्सनल यूज इट इज़ अ ड्रॉइंग, तो बेटा जो कैश की ड्रॉइंग है वो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, कैश बुक में बाई साइड बाई ड्रॉइंग. लेकिन But withdrawn of goods will be recorded in journal proper and entry will be drawing account debited. इसको एक बार वापस रफ कर देते हैं. Entry will be drawing account debited to purchase account. Clear? Drawing account debited to purchase account. Goods worth 40,000 was destroyed by fire. अगेन लॉस बाय फायर, सो एंट्री विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. तो बेटा आपको याद रखना, कैश के ट्रांजेक्शन आपको नहीं रिकॉर्ड करने जनरल प्रॉपर में. वो ट्रांजेक्शन जो ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना ही कैश बुक में, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक में जो रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ आएंगे, जर्नल प्रॉपर में. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम 25,000. जब कंपनी क्लेम एडमिट करती है तो आप एंट्री जो पास करते हो, ठीक है, क्लेम बताया था आपको कि अगर क्लेम नहीं क्लेम करते तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाई फायर. ये एंट्री भी आपको पास करनी होगी जर्नल प्रॉपर में. नेक्स्ट है आपका अ बिल रिसीवेबल फॉर 10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता. मिस्टर मेहता को हमने बिल सेंड किया है, तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिटेड टू बीआर. मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिटेड टू बीआर. वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 15,000. तो बेटा आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटीज है और वेजेस आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट ये आपका हो जाएगा. फिर आपका इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2000. इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है एट द एंड ऑफ द 2000. तो बेटा इसकी जो एंट्री पास हो जाएगी वो आपकी होगी इंश्योरेंस प्रीपेड जो था आपका. इंश्योरेंस प्रीपेड है आपका, तो वापस से देखो, प्रीपेड आपकी एसेट्स होगी. क्लियर? 2000 है तो एंट्री आपकी हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट. ठीक है, एट द एंड ऑफ द टू कैश अकाउंट. सॉरी, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द वॉज, तो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट. देखो एंट्री क्या पास होगी बेटा, ये आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपको एंट्री क्या पास करनी है. प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट से आपकी डेबिट हो गई एंड टू इंश्योरेंस अकाउंट. प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी. तो देखो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशंस भी गिवन है, आप इसको एक बार अच्छे से मैच कर लो. फर्स्ट एंट्री फॉर बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिटेड, सेकेंड एंट्री फॉर सुनील 30,000 बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिटेड टू सुनील. पहला ट्रांजेक्शन क्या था आपका, सुनील हु ऑन 50,000 वॉज डिस्ट्रॉयड एज ए डिक्लेयर एज ए इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% रिसीव एज अ फुल. तो बेटा 40% रिसीव हो गया, जो 60% रिसीव नहीं वो कहाँ चले गए, बैड डेबिट्स में. और हमने एंट्री क्या पास की थी, जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन की है, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिटेड टू सुनील एंड नरेशन बैड डेबिट्स रिटन ऑफ ऑन सुनील्स इंसॉल्वेंट. ओके, गुड सोल्ड टू कैलाश, मशीनरी सोल्ड टू कैलाश, तो कैलाश डेबिटेड टू मशीनरी, क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. कैश की एंट्री हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे. देन लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. क्लेम एडमिट हो गया, देन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाई फायर एंड इंडोर्स बिल टू मेहता, तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्लियर कर लीजिए कि आप किस तरह के ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे बेटा. जैसे कि आपकी ओपनिंग एंट्री, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन ओपनिंग एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में आप रिकॉर्ड करोगे. नेक्स्ट है आप क्या रिकॉर्ड करोगे जर्नल प्रॉपर में, क्लोजिंग एंट्री यू विल रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर. क्लोजिंग
एंट्रीज, ये आपकी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी बिकॉज क्लोजिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होंगी, तो ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ टू बी प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फॉर दिस पर्पज द नॉमिनल अकाउंट हैज़ टू बी क्लोज बाई ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू दिस अकाउंट एंड एंट्री पास्ट फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री. तो ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये भी आपकी कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, जनरल प्रॉपर में. अब नेक्स्ट ईयर में जब आप अपनी अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो वो भी तो नई बुक में, नए ईयर की बुक में रिकॉर्ड होगा. तो वो एंट्री जहाँ पर रिकॉर्ड होंगी उस एंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ओपनिंग एंट्री. ट्रांसफर एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज आर पास फॉर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट टू अनदर. सच एंट्रीज फॉर एग्जाम्पल द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस अगर हम किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करें तो उसकी एंट्री भी आपकी पास होंगी. तो कौन कौन सी एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे जनरल प्रॉपर में, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्रीज एंड रेस्ट एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्रीज देन रेक्टिफाइंग एंट्रीज एज वेल एज मिसलेनियस एंट्रीज. मिसलेनियस एंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा मिसलेनियस एंट्रीज में आपके आ जाएंगे जो मिसलेनियस एंट्री में आपका जो कुछ भी आपका आएगा, ये आपकी स्लाइड शायद क्लोज हो गई है. जैसे कि अभी आपको बताया परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ एन एसेट्स ऑफ क्रेडिट, राइटिंग ऑफ बैड डेबिट्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बीआर रिसीव्ड, बिल्स पेबल इशूड, इंडोर्समेंट ऑफ बीआर. ये वाला आपकी एंट्री किसकी बेटा, लास्ट वाली इंडोर्समेंट ऑफ बीआर. सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर एंड सम आई एम टेलिंग यू. डिसऑनर्ड ऑफ बिल रिसीवेबल, कैंसिलेशन ऑफ बिल्स पेबल, गुड्स टेकन बाई प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, एग्जाम्पल ऑफ दिस एंट्री. देन गुड्स टेकन बाई प्रोपराइटर्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी और फ्री सैम्पल, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, है ना ये एंट्री. ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे तो इससे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक लेक्चर आपको और बनेगा परचेज रिटर्न बुक के लिए और इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. और ये चैप्टर बेटा हमारा क्लोज हो गया है. जल्दी से आप इस चैप्टर्स को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना. डाउट हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो.